Kusum. इसका मतलब ये सब तुम करवा रही थी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस परिवार ने तुम्हें अपनाया, तुम पर भरोसा किया, तुम्हें प्यार दिया, तुम उन्हीं के पीठ पे छुरा घोंप रही थी। अगर मैं माही को नहीं डराती ना, तो आपको और आपके परिवार वालों को ये कभी पता नहीं चलता कि कुसुम मरी नहीं है। आपकी कुसुम जिंदा है अभय जी, और यही सच्चाई बताने के लिए मैंने ये खेल खेला। कहीं वो लड़की हमारी कुसुम तो नहीं? ऐसे कैसे हो सकता? आपके अपने आप को कुछ भी करके ढूंढ ही लेते हैं। मैं शिमला जाऊंगा मां, कुसुम से मिलने। अच्छा, इसका मतलब कुसुम शिमला में। मॉम, आप यहाँ? आपने बताया नहीं कि आप यहाँ आ रही हैं? ये शो बहुत सक्सेसफुल होने वाला है ना आंटी? हाय मॉम, एक मिनट में अभी आई। कुसुम, कुसुम देशमुख इसी शहर में, शिमला में। ये आपको कैसे पता? मुझे आज भी अभय और कुसुम पे शक है, इसलिए मैं सब कुछ पता लगाने खुद यहाँ आई हूँ। तो तुम अब भी इसी इंप्रेशन में हो कि अभय तुम्हें धोखा दे रहा है? चलो ये भी ठीक है, आज मैं तुम्हारे ये भ्रम सच कर ही देती हूँ। आज तुम अपने अभय को सिर्फ मेरा पाओगे। नमस्कार, आप सब शिमला वासियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हमारा आज का ये शो सौरभ के नाम डेडिकेटेड है, जिसने अपनी हिम्मत के बलबूते पर अपनी जिंदगी के हर इम्तिहान को पार किया, यहां तक कि मौत ने भी उनके सामने घुटने टेक दिए। इसलिए आज का हमारा ये शो परफॉर्म करेंगे हमारे इंडिया के टॉप मेल मॉडल्स। Ladies and gentlemen, put your hands together for Abhijit Sanyal. On the ramp now is Muzammil. Parveen Sirohi. Chayan Munshi. And now let's hear it for Niketan Madho. And last but not the least, Shawar Ali. Hello? Hello? Mahi. तो माही गई हाँ? मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगी। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अभी। कहाँ मिलना चाहोगी तुम? समय वहां मेरी गाड़ी खड़ी होगी, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं तुमसे वहीं मिलती हूँ। यह बिल्कुल एक एक्सीडेंट की तरह लगना चाहिए, किसी को यह नहीं पता चलना चाहिए कि यह प्री प्लान्ड है।
यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम वो एक्चुअली क्या हुआ? मैं समझ गया था, वहाँ पुलिस भी थी, लेकिन लेकिन क्या? मैडम मैंने वहाँ पता किया कि वहाँ से कोई लाश बरामद हुई नहीं। क्या? हाँ मैडम, पुलिस वाले बात कर रहे थे कि अच्छा हुआ गाड़ी के आसपास कोई था नहीं। मुझे लगता है कि वहाँ कोई पहुँचा ही नहीं था। लेकिन अगर वहाँ कोई पहुँचा ही नहीं तो ब्लास्ट कैसे हो गया स्टूपिड? तुम जाओ यार यहाँ से, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। जस्ट लीव। कुसुम, कुसुम कहाँ होगी? कुसुम, कुसुम, ये कुसुम कहाँ चली गई? सुनिए, ये कमरे में जो औरत रहती है, आपने उसे कहीं देखा है? वो तो कल से यहाँ नहीं आई। अच्छा ठीक है, अभी भी पता नहीं कहाँ चला गया। हेलो अभय, कहाँ तुम? अभय नहीं, कुसुम। तुम हैरत हो रही है ना मेरी आवाज सुन? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो मुझे अभी तक मर जाना चाहिए। कहाँ तुम? और अभय का फोन तुम्हारे पास कैसे है? अभय का फोन मेरे पास इसलिए है क्योंकि अभय खुद मेरे साथ है। मैंने तुमसे कहा था ना मां, मैं अपनी जगह वापस पा कर। देखो कुसुम, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिलना चाहती हो या मारना चाहती हो? वैसे मिले तो हम बहुत बार हैं माही, एक बार और से। वो क्या है ना कि मैं मंदिर जा रही हूँ अभय, और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए भगवान से प्रार्थना करने। तो एक काम करो माही, तुम भी वहीं आ जाओ, वहीं मिल लेंगे। बेटी, ये नारियल यहाँ चढ़ाकर मन्नत मांगने से तुम्हारे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है पंडित जी, मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज मुझे मिल गई है। मेरे अभय ने मुझे पहचान लिया है, और मुझे क्या चाहिए? बेटी, मुझे लगता है तुमने कई कठिनाइयों का सामना किया है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? जी, कुसुम, कुसुम देशमुख। मौत को भी चकमा दे दिया तुमने, और मुझे मार। कितनी बेवकूफ थी ना मैं कि मैंने तुम पे विश्वास। लेकिन तब भी देखो ना, आज तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। मेरी सच्चाई तो तुम्हारे सामने आ गई, लेकिन तुम्हारी सच्चाई दुनिया वालों के सामने आनी अब भी बाकी। और ये नेक काम माही सिर्फ मैं करूँ, तुम बस तैयार है। तैयार हूँ मैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे। तुम अच्छी तरह जानती हो कि माही किसी भी हद तक जा सकती है। जानती हूँ।
इसीलिए तो अब तक तुम्हारी सच्चाई मैंने अभय को नहीं बताई है, वरना वो बेचारा जिस इंसान पर इतना ज्यादा विश्वास करता है, जिसे उसने अपनी पत्नी होने का दर्जा दिया, जब उसे पता चलेगा कि वो औरत इतनी गिरी हुई नीच है कि वो अपने मकसद के लिए किसी को भी मार सकती है। वैसे किसी और की जान तो छोड़ो, वो खुद को भी मरवा सकती है। तुम्हें क्या लगा माँ, तुम औरों की तरह मुझे भी बेवकूफ बना लोगी? तुम्हारी गलत फहमी थी ये। मैं अब वो पुरानी कुसुम नहीं। सही कहा तुमने, क्योंकि तुम ज्यादा दिन तक रहोगी भी नहीं। ये माही का वादा है। माही, यूं चुटकियां बजाने से तुम किसी का अस्तित्व खत्म नहीं कर सकती। जब तक ये इशारा नहीं करते ना, तुम क्या, दुनिया की कोई भी ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तुम याद रखना। That's a promise. हाँ भाई। कसम, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए तुमसे पहले मुंबई पहुंचना है। मैंने तुम्हारी टिकट होटल पे रख दी है, मुंबई पहुंच के मिलेंगे, ओके? लेकिन अभय, मैं ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ मायसेल्फ, बाय। हाय, गुड मॉर्निंग मैम। माय टिकट? या, रेडी। हैप्पी जर्नी मैम। थैंक यू सो मच। मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, आप बुला देंगे? लेकिन ये तो चेकआउट कर चुके हैं सर। चेकआउट कर चुकी हैं? ओह नो। टिकट? या मैम। आई आई आ गई बेटा तू? आई बहुत खुश लग रही हो, लगता है शिमला में शो बहुत अच्छा रहा। शो तो अच्छा था ही, लेकिन बात कुछ और है। इसका मतलब अभय ने? हाँ, अभय ने मुझे पहचान लिया। आई, मैंने इतने दिन अभय को दुखी देखा है, मैंने खुद देखा है कि वो मुझे
कितना मिस करते थे, लेकिन अब आपको देखना चाहिए, इतने खुश हैं वो। और आपको पता है शिमला में क्या हुआ? क्या हुआ? अभी मुझे आई को कुछ भी नहीं बताना चाहिए कि माही ने हमारे साथ, आई खामखा डर जाएंगे। बताओ ना कुसुम, क्या हुआ शिमला में? आई, ऐसा कुछ हुआ नहीं वहां। मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि शिमला से हम दोनों की कितनी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, बस डर लगता है, क्योंकि आज से पहले जब भी अभय और मैं एक हुए हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। मैं तो भगवान से सिर्फ इतनी प्रार्थना करती हूँ कि इस बार ऐसा कुछ ना हो।